मध्य प्रदेश के सागर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में 28वें दीक्षांत समारोह में देश के विख्यात वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन ने शिरकत की। एसेट मिसाइल या एंटी सैटेलाइट मिसाइल को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से देश की महत्वपूर्ण घटना उन्होंने बताई है। इसरो की इस अंतरिक्ष पर विजय और सफलता को लेकर देश में खुशी का माहौल है। हालांकि रंगन किसी भी विवादित सवाल का जवाब देने के लिए मना करते रहे। रंगन कहते हैं कि किसी भी देश के विकास में विश्वविद्यालय की एक बड़ी भूमिका होती है। भारत एक आर्थिक शक्ति बन रहा है। दुनिया की आज 5 बड़ी शक्तियों में से हम एक हैं। 2030 तक विश्व में दुनिया की GDP में भारत का योगदान 6% होगा। कस्तूरी बोले कि आज भारत में अंतरिक्ष विज्ञान में इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत ने देश को लाख खड़ा किया है, अनेक उपलब्धि मिली हैं। वो बोले कि भारतीय भाषाएं और बोली वैज्ञानिक हैं और हमारी संस्कृति का प्रतीक हैं। पद्म विभूषित और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने 28वें दीक्षांत समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि ज्ञान वो ताकत है जिसमें युवा देश को आगे बढ़ा सकते हैं और ज्ञान ही हमें सही रास्ते पे आगे बढ़ाने में क्षमता प्रदान करती है। अभी तो हमारा पर्सनल ओपिनियन इस पर मतलब ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं कर सकता था। ये तो बिग डिसीजन है, थोड़ी कर सकता क्या बात में पर्सन कोई ओपिनियन ऐसे। इस कार्यक्रम में 371 छात्रों को डिग्रियों का वितरण किया गया। मेधावी छात्रों को विश्वविद्यालय मेडल से सम्मानित किया गया। इसरो के पूर्व अध्यक्ष के इन बयानों से हमें समझ जाना चाहिए कि विदेश ने विज्ञान को पकड़कर तरक्की की है। आज बहुत देर सही, हम तरक्की के नए अवसरों पर बढ़ चले हैं। इकराम खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।